अल्लाह मियाँ बुरी नजर से बचाए तुम्हें। अल्लाह मियाँ कल के साइंस पेपर में मदद करें थोड़ी बहुत। करेंगे, जरूर करेंगे। अल्लाह मियाँ की बरकत है तुम्हारे ऊपर। खूब पढ़ो, बड़े ऑफिसर बनो। मन लगा के पढ़ो, मैं दूध लाती हूँ तुम्हारे। You should keep on being by. होनहार स्टूडेंट असलम खान की माँ मेहरूनी सा बेगम को कई दिनों से एक चिंता खाई जा रही थी। अंबाला में काम कर रहे असलम के पिता महबूब खान का कोई संदेशा नहीं आया था। बीच बीच में पैसे आते रहते थे, पर मेहरूनी सा को शक था कि महबूब खान गलत रास्ते पर चल रहा है। क्या बोला रे? कहाँ तेरा अब्बा? अंबाला रेलवे में काम करते हैं। क्या करता है रेलवे में? सीनियर मैकेनिक है। उनकी उनकी पुलिस वालों से भी जान पहचान है। हाँ, अच्छी पहचान है। अबे चूतिया, मारो मत मेरे बच्चे को। अबे चूतिया, क्यों? हम पुलिस वाले हैं और तेरा बाप एक दो टके का चोर, समझा? चोर, और तू उस रामजादे चोर का पिल्ला। मेरी खबर लेगा तू? तो फिर बता ना चोरी का माल कहाँ छुपा रखा है, बता दे। ए भैया, तुम छोड़ दो नरेश को, बच्चे को छोड़ दो। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे। जब महबूब खान खुद चल के अंबाला आएगा और सरेंडर करेगा, तब लेके जाएगा चोरी से। गुरुदेव, ले चोरी से। जनाब, बच्चे को अरे तेरे को लिखित ऑर्डर दे क्या? ले चोरी से। चल गुरुदेव। तेरा दिन रखा, वे महबूब खान की सरेंडर का इंतजार कर रहे थे। वहां आगरा में अपनी बड़ी अजीब बात है भाई, आज 13 दिन हो गए और साले महबूब खान का कुछ अता पता ही नहीं। कैसा बात है यार? साला डरपोक है सर। पता है, हमारे हाथ लगेंगे तो ऐसा डंडा करेंगे कि मजा आ जाएगा। माय गॉड सर। जनाब, नामर्द है साला, बच्चे को आगे किए हुए है। अरे अगर नामर्द है तो ये लोंडा कहाँ से पैदा हो गया? ऐसा ही भाई, जरा छानबीन करके पता तो लगा दाल में कुछ काला है या केक रहा है, कीवे में कुछ पीला है। ला, मैं चेक करके देखूं। ले। महबूब खान का तो नहीं लगता ये बेटा। घर में कौन कौन आता है? कोई चाचा, ताऊ, रिश्तेदार या पड़ोसी? बोल बेटा, बोल। अम्मी के पास जाना है, अम्मी के पास जाना है। बेटा, तेरी अम्मी के पास तो मुझे भी जाना है। मदर अम्मी के पास जाना है। सब चलेंगे तेरी अम्मी के पास। मैं, राजेंद्र सिंह, एएसआई, मुश्ताक, सब चलेंगे बेटा तेरी अम्मी के पास आगरा। मुश्ताक भाई, बहुत गलत हो रहा है। एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक, आपको कुछ नहीं लगता है? लगता है ना, तेरे लिए डर लगता है। यह मत समझो कि ये साहब लोगों की नजर तुम पर नहीं है,
सब देखते हैं हरामजादे। वर्दी बचाने मैया बेचेंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि इन्हें खुश रखो और अपनी अपनी बचाओ। और ये जो लगने वगने की बात है ना, ये अपनी लोगाई को जाके सुनाना, अच्छा लगेगा। बात करता है मैरूनी सा बेगम, मैं आपकी तकलीफ। उसने इस अन्याय से लड़ने का फैसला किया। तुम खान का साला हूं, एसपी ओम अग्रवाल और एएसआई रजिंदर सिंह को इस रिट का जवाब देना था। हरियाणा सरकार की तरफ से एडवोकेट माया सूद सरकारी वकील। रातों रात असलम खान को लेकर एएसआई रजिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल मुश्ताक काजी और कांस्टेबल गुरुदेव सिंह आगरा के लिए रवाना हुए। आगरा में शायद मेहरूनी सा ने इतनी सुनहरी सुबह कभी नहीं देखी हो। उसका बेटा लौट आया था जिंदा। मेहरूनी सा बेगम सब कुछ भुलाने को तैयार थी, उन पुलिस वालों को माफ करने को राजी हुई जिन्होंने उसके बेटे के साथ जानवरों सा सलूक किया था। पर एडवोकेट अंसारी अलग ही मिट्टी के बने थे। देखिए मेहरूनी सा बेगम, आप डरिए मत, घबराइए मत, ये लोग आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनसे मुझे निपटने दीजिए। तुम होते कौन हो निपटने वाले? बच्चा घर पहुंच गया है, हाथ पैर सही सलामत है, और क्या चाहिए? चुपचाप अर्जी वापस ले ले और भूल जाके हम कभी मिले भी थे, वरना हम लोग बहुत भारी पड़ेंगे। और तुम कर ही क्या सकते हो, अंदर कर दोगे, डंडा कर दोगे या फिर जान ले लोगे, जिसकी तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस बार अंदर करने का हिसाब देना होगा आपको और आपके एसपी साहब को। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तुम एक चोर की तरफदारी कर रहे हो। महबूब खान एक चोर है, चोर खूनी हो, आतंकवादी हो, आपको क्या? आप तो पुलिस वाले हैं ना, कानून के रखवाले, और ये लोग नागरिक हैं इस मुल्क के। नागरिक, नागरिक का मतलब समझते हो ना एएसआई राजेंद्र सिंह? अरे तेल लेने गया तेरा नागरिक, अर्जी वापस ले रहा कि नहीं ले रहा? लास्ट टाइम बोल रहा हूं, बोल। हम लड़ेंगे और कानून के फैसले का इंतजार करेंगे। छोड़ना मत इन्हें, बहुत गंदी गंदी बातें कही इन्होंने। मम्मी ये लोग बहुत बुरे, बहुत बुरे। वहां जेल में कैसे कैसे लोग थे अंकल, इन्हें फांसी दिला दो, इन्हें फांसी दिला दो अंकल। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, कि ये एक किरण उसे निराशा के अंधकार में डूबने से बचा सकती है। बेटा तेरी अम्मी के पास तो मुझे भी जाना है। असलम, असलम क्या बात है बेटे? अम्मी
मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा। तुम्हारा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्या बात है? हाँ पता नहीं, पता नहीं ये अपनी अम्मी को बताओगे नहीं। इधर मुँह करो, मेरी तरफ देखो। नहीं हाँ। मैं बुला नहीं पा रहा, मैं बुला नहीं पा रहा अम्मी, अम्मी को बुला नहीं पा रहा जो मेरे साथ हुआ, अम्मी को बुला नहीं पा रहा जो आपके साथ हुआ, अम्मी को नहीं बुला पा रहा। इधर देखो, इधर देखो, देखो बेटा जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन खतावार को सजा मिली ना। अगर उसे सजा नहीं मिलती तो शायद मैं भी नहीं भुला पाती। अब हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत। सब ठीक हो जाएगा। असलम